नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं इतिहास का एक और सुनहरा पन्ना लेकर। आज हम जिस अध्याय की बात करेंगे उस अध्याय के अभिनेता हैं सम्राट हेमू। मुगलों को खदेड़कर हिंदू साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य। भारतीय इतिहास का मध्यकाल मुगल शासकों से अटा पड़ा है, शायद इसलिए मध्यकाल मुगल काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत अनन्य वीरों की धरती है। इसी समय से वीर भी पैदा हुए जिन्होंने मुगलों को नाक और चने चबवा दिए। ऐसे ही एक शासक थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से जाना जाता है। हेमू ने लगभग 350 साल के मुगल शासन को उखाड़ फेंक हिंदू राज्य की स्थापना की। हेमू का दिल्ली की गद्दी पर पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ राज्याभिषेक हुआ था। मुगलों को कड़ी टक्कर देने वाला हेमू असल में एक व्यापारी था। लेकिन कैसे यह व्यापारी सम्राट बना और कैसा था उसका सम्राट बनने तक का सफर, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हेमू का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में साल 1501 में हुआ था। उम्र की युवावस्था तक आते आते हेमू ने व्यापार की बारीकियों को अपने पिता से समझ लिया था। इनके पिता मुगलों से परेशान होकर हरियाणा के रेवाड़ी आकर रहने लगे थे। इस समय तक शेरशाह सूरी का दबदबा आसपास के क्षेत्र में बढ़ रहा था और उसे युद्ध लड़ने के लिए बारूद की जरूरत थी। ऐसे में पिताजी के साथ मिलकर हेमू ने शेरशाह सूरी के साम्राज्य को अनाज और पोटेशियम नाइट्रेट बेचना शुरू कर दिया। फिर 17 मई 1540 को कन्नौज के पास बिलग्राम में एक भयंकर युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। इसी के साथ मुगल शासक हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया और दिल्ली पर सूरी वंश का आधिपत्य हो गया। उधर हेमू ने रेवाड़ी में धातु के हथियार बनाने का कारखाना खोल लिया। 25 मई 1545 को शेरशाह सूरी ने अपना सारा राजपाट अपने दूसरे बेटे जलाल खान को सौंप दिया। पद संभालते ही जलाल खान को सलीम शाह सूरी की उपाधि दे दी गई। सलीम शाह ने बंगाल से लेकर सिंधु तक पिता द्वारा कब्जाए गए क्षेत्र के बीच एक सराय का निर्माण कराया और साथ अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर ग्वालियर बना लिया। सलीम शाह के मुताबिक दिल्ली के मुकाबले ग्वालियर ज्यादा सुरक्षित स्थान था। सलीम शाह ने शासनकाल के दौरान हेमू को इस बाजार या सराय का अधीक्षक बना दिया गया। कुछ समय बाद सलीम शाह ने अपने 12 साल के बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, मगर सलीम शाह के भतीजे ने ही उसके बेटे की साजिश के तहत हत्या करवा दी और खुद राजगद्दी पर वारिस बन गया। अपनी ताजपोशी के बाद वह आदिल शाह सूरी के नाम से जाना गया। आदिल शाह ने धोखे से राजगद्दी को तो हथिया लिया, लेकिन उसके पास सल्तनत को संभाल पाने की काबिलियत नहीं थी। इसके चलते आदिल शाह ने हेमू को अपना वजीर नियुक्त कर लिया और पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। सम्राट द्वारा मिले कार्य को हेमू ने बखूबी निभाया और पूरे राज्य के कार्यभार को संभाला। इसी बीच हेमू ने गवर्नर जुनेद खान पर विजय हासिल कर न सिर्फ राजा के विश्वास को सुदृढ़ किया, बल्कि इससे सेना में हेमू का रुतबा भी बढ़ गया। इसी समय आदिल शाह काफी बीमार पड़ गया। सम्राट की यह बीमारी उसके दुश्मनों के लिए सल्तनत को कमजोर करने का एक मौका बन गई, जिसके चलते कई अफगानी राजाओं ने विद्रोह शुरू कर दिया। इस वजह से सूर शासन डगमगाने लगा और हालातों को बिगड़ता देख आदिल शाह ने राजधानी चुनार स्थानांतरित कर दी। साल 1555 ईस्वी में आगरा के गवर्नर इब्राहिम सूरी ने आदिल शाह पर हमला कर उसे हरा दिया और आगरा व दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। अब आदिल शाह के पास केवल मालवा का क्षेत्र ही बचा था। इसी वर्ष कुछ समय बाद लाहौर के गवर्नर सिकंदर सूरी ने इब्राहिम सूरी पर हमला कर उसे हरा दिया, उससे आगरा और दिल्ली का आधिपत्य छीन लिया। इसी के साथ सिकंदर सूरी ने दिल्ली आगरा के साथ पंजाब क्षेत्र पर भी हुकूमत जमा ली। इधर इब्राहिम सूरी ने एक बार फिर से आदिल शाह की ओर कूच कर दिया। इसके जवाब में आदिल शाह ने हेमू के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को मुकाबले के लिए भेजा। युद्ध के दौरान हेमू की सेना ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और इब्राहिम की फौज को एक नहीं बल्कि 2 बार हराया और आखिरकार इब्राहिम सूरी को ओडिशा में शरण लेनी पड़ी। इब्राहिम पर फतेह हासिल करने के बाद हेमू के निशान पर बंगाल का गवर्नर मोहम्मद सूरी आया, जिसे हेमू द्वारा दिसंबर 1555 में
छप्पर घाता के युद्ध में हराया गया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की गद्दी पर एक बार फिर से हलचल हो रही थी। दिल्ली फतेह की मंशा लेकर हुमायूं ने एक बार फिर से हमला कर दिया। युद्ध के मैदान में हुमायूं और सिकंदर सूरी का आमना सामना हुआ, लेकिन सिकंदर सूरी की सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और नतीजतन हुमायूं ने युद्ध में जीत हासिल कर दिल्ली, आगरा और पंजाब जीत लिया। हुमायूं अपने बेटे अकबर को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर खुद दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। इसी बीच 24 जनवरी 1556 को महल के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मौत हो गई। इस समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान की निगरानी में पंजाब में था। दूसरी तरफ हुमायूं की मौत की खबर आदिल शाह के लिए एक मौका थी। इसके चलते आदिल ने हेमू के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को दिल्ली पर कूच करने के लिए भेज दिया। दिल्ली में हेमू की सेना ने गवर्नर तरदीबे खान को आसानी से हरा दिया और दिल्ली को जीत लिया। इसी के साथ दिल्ली पर एक बार फिर से आदिल शाह की हुकूमत थी, लेकिन आदिल के तौर तरीकों से हेमू खुश नहीं था। उसने पहले अफगानियों में लूटी गई राशि और हाथी बांटकर उन्हें अपने पक्ष में किया, फिर आदिल शाह के खिलाफ बगावत कर 7 अक्टूबर 1556 को राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। राजगद्दी मिलने के बाद हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि दे दी गई और दिल्ली में 350 साल के मुगल शासन के बाद आखिरकार हिंदू हुकूमत कायम हुई। हेमू ने अपने पूरे जीवन में आदिल शाह के दुश्मनों से कुल 20 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से वह एक भी नहीं हारा। जिस समय मुगलों द्वारा अफगानियों को बाहरी बतलाया जाता था, उस समय हेमू की सेना में अफगानी और हिंदू दोनों मिलकर लड़ते थे। हेमू को शासनकाल के दौरान उसके पास एक बड़ी सेना और 1500 हाथी थे, जो किसी भी सेना को ध्वस्त कर सकते थे। इधर बैरम खां चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने युवा अकबर की अगुवाई में दिल्ली के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। हेमू और अकबर की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जो इतिहास के बड़े युद्धों में से एक माना जाता है। 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आई और फिर शुरू हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध। युद्ध में हेमू खुद सेना का नेतृत्व कर रहा था। वह अपने हाथी पर सवार होकर सेना को निर्देश दे रहा था। वहीं अकबर और बैरम खान युद्ध का हिस्सा नहीं थे। वे युद्ध स्थल से 8 किलोमीटर दूर अपने पड़ाव में युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। शुरुआत में तो हेमू की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी, लेकिन युद्ध के दौरान अचानक एक तीर हेमू की आंख में आ लगा और वह अपने हाथी से नीचे गिर गया। हेमू ने जब तीर को आंख से खींचकर बाहर निकाला तो तीर के साथ उसकी आंख भी बाहर निकलकर आ गिरी। इतनी पीड़ा के बावजूद वह लगातार दुश्मनों से लड़ता रहा। दुश्मन सैनिक धीरे धीरे हेमू को अपने क्षेत्र में ले गए, जहां उसे खान जमान ने बेहोशी की हालत में बंदी बना लिया। युद्ध में जीत की घोषणा स्वरूप बैरम खान ने अकबर से हेमू का सिर धड़ से अलग करने को कहा, लेकिन अकबर हिम्मत नहीं जुटा पाया और वह पीछे हट गया, जिसके चलते बैरम खान ने खुद ही हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया बेहोशी की हालत में, और इसी के साथ दिल्ली में आखिरी हिंदू शासन का अंत हो गया। पानीपत की विजय के साथ दिल्ली में अकबर का शासन शुरू हो गया और उसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से नवाजा गया। तो यह था किस्सा एक हिंदू सम्राट का, जिसने मुगलों को खदेड़ कर राजगद्दी पर कब्जा किया। आशा करता हूं यह वीर गाथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।